हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग साइक्लिक ग्रुप का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए और एक दूसरा साइक्लिक ग्रुप का और एक इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, थ्योरम का क्या कहता है। स्टेटमेंट क्या बोलता है, लेट एक मिनट, स्टेटमेंट क्या बोलता है कि लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, मतलब एक इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में, मतलब क्या कहता है, लेट जी अगर आपको कोई ग्रुप दिया हुआ है और ए एक एलिमेंट है जी का, इतना तक स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। एंड के बी एन पॉजिटिव इंटीजर, और कोई के कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब के बिलोंग्स टू एन है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है। देन साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए टू दावर के इज ऑलवेज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए टू दावर जी सी डी ऑफ एन के। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है वो तो आप लोग पिछले वीडियो से पता चल गया होगा आपको, ठीक है। तो आज ये प्रूव करने को बोल रहा है कि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए टू दावर के इज ऑलवेज इक्वल टू द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए टू दावर जी सी डी ऑफ एन एन के, ठीक है, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ ए। एंड दूसरा क्या प्रूव करने को बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए टू दावर के इज इक्वल टू एन वाई जी सी डी ऑफ एन के, ये प्रूफ करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें दो चीज प्रूफ करना पड़ेगा, पहले तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो जी सी डी ऑफ एन के है इसको हम लोग मान लेते हैं डी, ठीक है। लेट जी सी डी ऑफ एन के इज इक्वल टू डी, ये हम लोग मान लिया, लेट जी सी डी ऑफ एन के इक्वल टू डी। देन और अगर जी सी डी ऑफ एन के अगर डी हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, के इक्वल टू सम डी आर, मतलब डी के साथ कुछ किसी चीज को मल्टीप्लाई करने पे ही के आ रहा होगा, क्योंकि डी क्या है, जी सी डी है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर के इक्वल टू ए टू द पावर डी आर, व्हिच कैन बी रिटन एज ए टू द पावर डी होल टू द पावर आर। तो इससे ए टू दावर के इक्वल टू अगर ए टू दावर डी होल टू दावर आर होता है तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दावर के इज सबसेट ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दावर डी। ये कैसे हुआ चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि इसमें से अगर कोई एक एलिमेंट मैं लूँ और अगर वही एलिमेंट इसमें भी है वो दिखा पाऊँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इसका सबसेट है। तो मान लेते हैं कि इसमें से कोई एक एलिमेंट लिया तो वो किस फॉर्म का होगा, ए टू दावर के होल टू दावर टी इस फॉर्म का होगा, है ना। तो अगर मैं कोई एक एलिमेंट इस सेट में से ले लूं तो वो किस फॉर्म का होगा, एट दिवर के होल दिवर टी, व्हिच कैन बी रिटन एज एट दिवर के टी, ठीक है। तो एट दिवर के टी का मतलब क्या है, के इक्वल टू क्या था, के इक्वल टू डी आर था, तो हम क्या लिख सकते हैं, एट टू दावर डी आर टी, व्हिच कैन बी रिटन एज एट दावर डी होल टू दावर आर टी। तो ये किस में से बिलोंग कर रहा है, दिस बिलोंग्स टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एट दावर डी, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस इधर में से कोई भी एलिमेंट अगर ले लूँ तो वो ए टू दावर साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दावर डी में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दावर के इज सबसेट ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दावर डी, इतना तक तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ए टू दावर के साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दावर के इज सबसेट ऑफ ए टू दावर डी हो गया। नेक्स्ट हमें दिखाना है, मान लेते हैं कि अगर सिंस जी सी डी ऑफ एन एन के इक्वल टू डी, तो हमें एक थ्योरम पता है कि डी कैन बी रिटन एस एन एस प्लस के डी, ये आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। जो जी सी डी के लिए कोई भी एक चीज़ का जी सी डी, अगर दो नंबर्स का जी सी डी अगर एक दूसरा नंबर आ रहा है तो उसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, एन एस प्लस के टी फॉर सम एस एन टी बिलोंग्स टू जेड, फॉर सम इंटीजर्स एस एन टी, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी इक्वल टू अगर ये हो रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू दावर डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए टू दावर एन एस प्लस के टी लिख सकते हैं, है ना। तो ए टू दावर एन एन एस इंटू ए टू दावर के टी लिख सकते हैं इसको, व्हिच कैन बी रिटन एस ए टू दावर एन होल टू दावर एस इंटू ए टू दावर के होल टू दावर टी। तो ए टू दावर एन इक्वल टू क्या है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन दिया हुआ है, देखिए ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन दिया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू जब एन है तो एट दावर एन इक्वल टू क्या होगा, ये ई हो जाएगा,
ये अगर ई हुआ तो इसमें से क्या बचेगा, ई टू दी पावर एस बचेगा, ई टू दी पावर एस तो ई होता है, ठीक है, तो इसमें से क्या बचेगा ए टू दी पावर के टी। सेम पिछला बार के जैसा ए टू दी पावर डी इक्वल टू जब ए टू दी पावर के टी आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, सेम पिछले बार का लॉजिक यूज करके, ये वाला लॉजिक यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर डी इज सबसेट ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर के। देखो तो अभी यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये वाला, और लास्ट में क्या मिला था, ये वाला, तो ये एक दूसरे का रिवर्स है, ठीक है। तो हम दोनों को यूज करके क्या लिख सकते हैं, ये अगर इसका सबसेट हो रहा है और इधर भी बोल रहा है ये फिर से इसका सबसेट हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे का सबसेट हो रहा है, तो क्या हो सकता है, ये दोनों, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब दोनों सेम ही है, जब दोनों इक्वल है। तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू द पावर डी इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू द पावर के। अभी डी क्या था, डी हमारा क्या था, डी था जीसीडी ऑफ, ये जो डी था, डी इक्वल टू जीसीडी ऑफ एन एंड के, जीसीडी ऑफ एन एंड के, ठीक है, यही इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेट बाय ए टू द पावर के। तो यही मुझे प्रूफ करना था, हो गया, पहला स्टेटमेंट मेरा प्रूफ हो गया, है ना, यही था मेरा प्रूफ करने को। ये देखो ए टू द पावर के इक्वल टू जीसीडी ऑफ एन एंड के, यही था प्रूफ करने को। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है ये वाला पार्ट को प्रूफ करना है, तो चलो देखते हैं दूसरा पार्ट को कैसे प्रूफ करेंगे। तो दूसरा पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमें, लेट हम मान लेते हैं दूसरा पार्ट को हम डायरेक्ट नहीं शो करेंगे, पहले हम एक दूसरा जिसको शो करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी इज इक्वल टू एन बाय डी फॉर एनी पॉजिटिव डिवाइजर डी ऑफ एन, एनी डिवाइजर डी ऑफ एन, फॉर एनी डिवाइजर डी ऑफ एन, कोई भी एन का कोई भी डिवाइजर डी के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए टू दी पावर डी का जो ऑर्डर होगा वो एन बाई डी के बराबर होगा। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसका यूज करके हम मेन स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। हमारा मेन स्टेटमेंट क्या है कि ए टू दी पावर के, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर के इक्वल टू एन बाई जी सी डी ऑफ एन के, ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले क्या लेंगे कि ए टू दी पावर डी होल टू दी पावर एन बाई डी अगर ले लो तो ये क्या होगा, ए टू दी पावर एन, और ए टू दी पावर एन इक्वल टू क्या है, ई है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, तो ऑर्डर ऑफ ए जब एन है तो ए टू दी पावर एन इक्वल टू ई होना ही पड़ेगा। तो इसमें से मुझे क्या पता, कल लास्ट वीडियो में हम लोग जो थ्योरम देखे थे उसमें क्या था, लास्ट वीडियो में जो थ्योरम था उसमें क्या बोला था कि ए टू दी पावर किसी भी एक एलिमेंट का पावर अगर डी इक्वल टू ई हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, एन डिवाइड्स डी, ऐसा एक थ्योरम पढ़े थे हम लोग, ठीक है, जहाँ पे एन था ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, कोई भी एक जिसका पावर अगर ई हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए मस्ट डिवाइड्स डी, ऐसा था, ठीक है। तो इसमें से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो अंदर का जो ए टू दी पावर डी है इसको अगर मैं एक एलिमेंट मान लूँ और इसका कुछ पावर करने पे ई आ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका जो ऑर्डर होगा ए टू दी पावर डी का जो ऑर्डर होगा वो किसको डिवाइड करेगा, एन बाई डी को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो डिवाइड करेगा मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर डी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एन बाई डी, डिवाइड कर रहा है, या से ज़्यादा, या तो ज़्यादा इक्वल हो सकता है या फिर लेस देन हो सकता है, डिवाइड कर रहा है मतलब उससे बड़ा तो नहीं हो सकता है, तो इतना तक मिल गया, ठीक है। अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो जो ए टू दी पावर, अगर कोई एक आई लेस देन एन बाई डी ले लिया तो ये ए टू दी पावर आई इंटू, सॉरी ए टू दी पावर डी इंटू आई जो होगा वो कभी भी इक्वल टू ई नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मैं फिर से समझो, अगर आई में कोई एन बाई डी से कोई एक नंबर ले लिया, एन बाई डी से छोटा कोई अगर एक नंबर ले लिया तो ए टू दी पावर डी इंटू आई कभी भी ई नहीं हो सकता है, क्यों, देखो अगर हो गया, मान लो डी इंटू आई क्या होगा, असल में डी इंटू आई क्या होगा, क्योंकि आई लेस देन, देखो आई लेस देन एन बाई डी है तो डी इंटू आई क्या होगा, लेस देन एन हो जाएगा। तो लेस देन एन अगर कोई भी ए टू दी पावर, ये एक्चुअली में क्या है, ए टू दी पावर डी है ये, तो ए टू दी पावर डी आई, ये डी आई जो है वो लेस देन एन है, और कोई भी डी आई लेस देन एन के लिए अगर इक्वल टू ई हो रहा है तो ये ऑर्डर ऑफ एन का जो मिनिमलिटी होता है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑर्डर ऑफ एन अगर, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, एन है, ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है तो एन क्या होना पड़ेगा, मिनिमल होना पड़ेगा, है ना। तो अगर डी आई उससे भी छोटा कोई नंबर के लिए ई हो रहा है तो ये ऑर्डर हो ही नहीं सकता, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, हो जाएगा, ठीक है। तो आई लेस देन एन बाई डी कोई भी नंबर के लिए ये नहीं हो सकता है,
ए टू दी पावर डी टू दी पावर आई इक्वल टू ई नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ए टू दी पावर डी का जो ऑर्डर होगा वो एन बाई डी से छोटा नहीं हो सकता है। फिर इधर पे क्या बोल रहा है, वो लेस देन इक्वल टू होना पड़ेगा। तो एक ही चांस बचता है कि ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर डी जो होगा वो क्या होगा, एन बाई डी ही होगा, है ना, एक ही चांस बचता है। तो अभी हमें ये मिल गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर डी इक्वल टू एन बाई डी। तो हम अभी हम अपना जो मेन थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। अपना मेन थ्योरम क्या था, देखो अपना मेन थ्योरम क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर के इक्वल टू एन बाई जीसीडी ऑफ एन के, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर के इक्वल टू एन बाई जीसीडी ऑफ एन के, ये हमें मेनली प्रूव करना था। तो अभी हम इसका यूज कैसे करेंगे, देखो क्या बोलता है कि भी ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर के अगर है तो इसमें से हमें लास्ट रिजल्ट यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर के, है ना, व्हिच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसी को ही हम क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर के को ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर जीसीडी ऑफ एन के, ठीक है, इसी को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, इसी के यूज करके अगर जीसीडी ऑफ एन के आ रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर जीसीडी ऑफ एन के, ठीक है, जैसे इसमें यूज किया ए टू दी पावर के अगर साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर के आ रहा है तो ए टू दी पावर जीसीडी ऑफ एन के क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर जीसीडी ऑफ एन के, सिर्फ के की जगह पे जीसीडी ऑफ एन के आ गए। इसी को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बाई जीसीडी ऑफ एन के, ठीक है, हो गया प्रूफ इसके यूज करके, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर के इक्वल टू एन बाई जीसीडी ऑफ एन के। देखो ये इधर से हो जा रहा था, ए टू दी पावर जीसीडी ऑफ एन के जो था उसको हम क्या लिख सकते, जीसीडी ऑफ एन के को अगर मैं के ले लू तो क्या लिख सकते, एन बाई जीसीडी ऑफ एन के, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो इसी थ्योरम से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मान लेते हैं कि कोई एक ग्रुप हमें दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है मान लो 30, कोई एक ग्रुप दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू दिया है मान लो 30 को एक 30 ऑर्डर का कोई एक ग्रुप का सॉरी ग्रुप का एलिमेंट दिया हुआ है। तो मुझे निकालने को बोल रहा है कि क्या निकालने को बोल रहा है कि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर 26 ये क्या होगा, ये निकालने को बोल रहा है। तो ये निकालने के लिए हमें पहले क्या क्या करना पड़ेगा, जो रिजल्ट है उसका यूज अगर करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीसीडी ऑफ 30 एंड 26 क्या होता है, 2 होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं रिजल्ट का यूज करके, ए टू दी पावर साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर 26 इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जीसीडी ऑफ एन एन के था ओके। तो ऐसे करके अभी अगर आप एट दी पावर 26 का निकालना स्टार्ट करते तो वो बहुत बड़ा हो जाता, मतलब निकालने में थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन अभी एट दी पावर 2 का होके निकालने में थोड़ा इजी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो एट दी पावर 26 का इसी का ही अगर ऑर्डर निकालने को दिया, ऑर्डर ऑफ एट दी पावर 26 तो क्या होगा, विच इज इक्वल टू, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर 26 अगर इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर 2 हो रहा है, ये जो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर 2 हो रहा है, तो हम लोग इधर से क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 26 मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 2, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 2 क्या होगा, एन बाय एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर के इक्वल टू एन बाय जीसीडी ऑफ एन के, ऐसा होता है। तो इसमें एन क्या है, 30 है, जीसीडी ऑफ एन के क्या है, 2 होगा, व्हिच इज इक्वल टू 15, तो ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 2 कितना होगा, 15 होगा, बहुत आराम से निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
कुछ इसी थ्योरम से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इनका प्रूफ नहीं देखेंगे हम लोग, लेकिन ये सब रिजल्ट्स खूब बहुत जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत कम में आएगा ये सब रिजल्ट। जैसे इन ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कोई भी अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कोई भी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर है तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कोई भी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म है ये। मान लो कोई जी अगर कोई ग्रुप है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जी अगर कोई ग्रुप है और इसके कोई भी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी के लिए, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, मतलब कोई भी एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हमेशा डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पहला रिजल्ट। नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोलता है कि जैसे नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ कोई भी एक एलिमेंट का ऑर्डर अगर एन हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज ऑलवेज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू डिवाइड जी ए इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली जीसीडी ऑफ एन एंड जे इज इक्वल टू वन। मतलब साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए जो होगा और ए टू डिवाइड जे जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, कब, अगर जीसीडी ऑफ एन एंड जे इज इक्वल टू वन होगा। और इसी को ही अगर हम एक्सटेंड करें, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेट बाई ए टू डिवाइड जे होगा, ठीक है, कब, सेम इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ एन एंड जे इक्वल टू वन, ठीक है। ये भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि जेड एन जेड फाइव, मान लो तो जेड फाइव में ए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन होना पड़ेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू अगर पूरा ग्रुप का फॉर्म हो रहा है तो मान लो ए वन है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप जनरेट बाय वन क्या होगा, जेड फाइव ही होगा, क्यों, कल ही लास्ट क्लास में हम लोग दिखाया था वन तो वन ही है, फिर वन प्लस वन इक्वल टू टू होगा, वन प्लस वन प्लस वन इक्वल टू थ्री होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम जेड का सारा एलिमेंट को लिख सकते हैं, जेड फाइव का, जेड फाइव में क्या क्या एलिमेंट होता है, जीरो वन टू थ्री फोर, तो जेड फाइव का सारा एलिमेंट हम वन वन के रेस्पेक्ट में बना सकते हैं, है ना। तो अभी बोल रहा है कि ऐसा और कौन सा एलिमेंट होगा जिससे फिर से जिसको जिससे फिर से जेड फाइव को जनरेट कर सकते हैं वन के अलावा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि वन के साथ और किसका जीसीडी वन आ रहा है, सॉरी वन के साथ नहीं, एन के साथ, फाइव के साथ, फाइव के साथ और किसका एलिमेंट और कौन सा एलिमेंट का जीसीडी वन आ रहा है, क्योंकि फाइव प्राइम है तो टू का भी जीसीडी वन आएगा, थ्री का भी जीसीडी वन आएगा, फोर का भी जीसीडी वन आएगा। तो अभी हम इधर पे टू भी लिख सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप जनरेट बाय टू भी जेड फाइव होगा, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय, यही तो बोल रहा है, देखो साइक्लिक ग्रुप जनरेट बाय ए इज ऑलवेज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर जे, ए टू दी पावर जे मतलब इसमें वन टू दी पावर जे नहीं होगा, वन प्लस अगर वन टू दी पावर टू होगा, वन टू दी पावर इधर पे वन टू दी पावर टू का मतलब है वन प्लस वन, क्यों, क्योंकि इसमें ऑपरेशन क्या है, जेड फाइव में ऑपरेशन प्लस है, ये ए टू दी पावर जे तब भी होता है, ए इंटू ए तब भी होगा जब ऑपरेशन इंटू होगा, जब प्लस होगा तो इधर पे प्लस हो जाएगा, है ना। तो इधर पे हम लोग टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटर पे टू भी जेड फाइव होगा, साइक्लिक ग्रुप जनरेटर पे थ्री भी जेड फाइव होगा, क्यों, क्योंकि सबका जीसीडी जीसीडी ऑफ एन और वन या फिर टू या फिर थ्री या फिर फोर कोई भी वन ही होगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप जनरेटर पे टू भी जेड फाइव होगा, साइक्लिक ग्रुप जनरेटर पे थ्री भी जेड फाइव होगा, साइक्लिक ग्रुप जनरेटर पे फोर भी जेड फाइव ही होगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि वन भी जेड फाइव को जनरेट कर रहा है, टू भी जेड फाइव को जनरेट कर रहा है, थ्री भी कर रहा है, फोर भी कर रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।